नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं हाजिर हूं अमर कुमार। एक बार फिर पहला एक नज़र चुनवियां खबरों पर। लोह पुरश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वरेगंढ आज कौमी एकता दिवस वजो मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी विखे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भेंट की। नवी दिल्ली में करवाए इस समागम दौरान राष्ट्रपति गृहमंत्री समेत होरना अहम शख्सियतों वालों सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। अमित शाह ने नवी दिल्ली के ध्यान चंद कौमी स्टेडियम तो एकता दौड़ की की शुरुआत। जम्मू कश्मीर लद्दाख आज तो दो केंद्र शासित प्रदेशों वजो होने विच आ गए। आर के माथुर ने लद्दाख जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कार्यभार संभाले। पंजाब भर में एकता लई दौड़ में भारी गिणती में लोगों ने की शिरकत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेरा बाबा नानक और सुल्तानपुर लोधी का दौरा करके वक्त-वक्त विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करतारपुर लांघे के विकास कार्य 9 नवंबर तक कर ले जाएंगे मुकम्मल। मुख्यमंत्री वालों सुल्तानपुर लोधी में 96 करोड़ रुपए की लागत वाले वक्त-वक्त विकास प्रोजेक्ट जनता को समर्पित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक रेलगड्डी में अग लगन कारण घट्टो घट 73 व्यक्तियों की मौत, दर्जना जख्मी। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के पहले गृहमंत्री लोह पुरश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वरेगंढ मौके अज राष्ट्रपति उन्होंने भरपूर श्रद्धांजलि भेंट की गई। सरदार पटेल की जन्म वरेगंढ कौमी एकता दिवस वजो मनाई जाती है। कौमी एकता दिवस मौके देश भर में समागम करवाए गए। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी विखे करवाए गए समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा के फुल भेंट किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भिन्नता में एकता साड़ी पछाण ते माण है। मोदी ने कहा कि जब असीं दूजियां दे धर्मां ते ख्यालां दा माण करदे हां तां प्यार ते नेड़ता वधदी है। उन्होंने कहा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजियां दीआं रियासतां नूं भारत नाल मिलाया तां इस नाल होर कई शासकां नूं वी भारतीय यूनियन में शामिल होण दी प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो साढ़े तो लड़ाइया नहीं जित सकते वो साड़ी एकता भंग करन दी कोशिश करदे ने, पर उन्हां दीआं कोशिशां कदे कामयाब नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर चौतारा 377 समाप्त करने वाले फैसले ते बोलदे कहा कि वह ये फैसला सरदार पटेल को समर्पित करते ने। उन्होंने कहा कि देश ने तारा 370 समाप्त की क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर को वक्वाद अत्यातवाद दिता। मोदी ने कहा कि सरदार पटेल तो प्रेरणा लैके असी भावनात्मक आर्थिक संविधानक एकता की दिशा वाल काम कर रहे हाँ। लोकतंत्र की बातें बहुत हुई लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लोकतंत्र का वो अधिकार नहीं मिल पाया। धारा 370 को बहाना बनाया गया। बीडीसी के चुनाव नहीं हुए कभी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए और मतदाता पंच सरपंच होते हैं। इस मौके प्रधानमंत्री ने हाजिर लोगों राष्ट्र की एकता अखंडता से आपसी सद्भावना बनाए रखने की सहुं चुकाई। उन्होंने एकता परेड में भी हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वरेगंढ मौके आज नवी दिल्ली के पटेल चौंक एक श्रद्धांजलि समागम किया गया। समागम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी समेत होर आगुओं वालों सरदार पटेल के पुते फुलमालावां अर्पित की गई। बाद विच अमित शाह वालों ध्यान चंद नैशनल स्टेडियम तो एकता लई दौड़ नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया गया। एकता लई दौड़ विच समाज के वक्-वक् वर्गां नाल संबंधित लोगों ते स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ विच वक्-वक् इलाकों तो होंदी हुई इंडिया गेट ते जाके समाप्त हुई। इस मौके ते बोलदिआं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जम्मू कश्मीर में धारा 370 ते 35 खत्म करके अतवादियों का कश्मीर में आने का रस्ता बंद कर दिया गया है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष रुतबा समाप्त करने सूबे को देश के बाकी हिस्सों से जोड़न का सुपना साकार हो गया है। पूरे 70 साल हो गए किसी ने धारा 370 और 35 ए को
छूना भी मुनासिब नहीं समझा। और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वरेकंड मौके नवे केंद्र शासित प्रदेश वचों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख अज तो होंद विच आ गए ने। आर के माथुर ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल वजों अहुदा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र विच हुए एक सादा समागम दौरान माथुर होरां नूं उपराज्यपाल ते अहुदे दी सहुं चुकाई। उधर गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल वजों कामकाज संभाल लिया। उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में हुए समागम दौरान जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने उपराज्यपाल के अहुदे वजों सहुं चुकाई। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा होगी जबकि लद्दाख की विधानसभा नहीं होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट दोहां केंद्र शासित प्रदेशों का सांझा हाईकोर्ट होगा। इन दो नवे केंद्र शासित प्रदेशों नाल देश में केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती बढ़ के 9 हो गई है। सूबे की गिनती घट के 28 रह गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस मौके आज तरन तारण के नगर कौंसल दफ्तर में जिला पदरी समागम करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल ने कहा कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने योगदान नूं भुलाया नहीं जा सकता। समागम नूं कई होरना बुलारिया ने भी संबोधन किया। इस मौके एकता लई दौड़ भी करवाई गई जो शहर के वक्-वक् इलाकों विचों होंदी हुई मुड़ नगर कौंसल दफ्तर पहुँच के समाप्त हुई। एकता दौड़ में शमूलियत करने वाले समूह भागीदारों नूं देश की एकता अखंडता ते सुरक्षा नूं बरकरार रखने लई अपना आप समर्पित कर सौ भी चुकाई गई। उधर कौमी एकता दिवस के मौके पर लुधियाना में एक समागम दौरान डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने सरकारी अधिकारियों ते कर्मचारियों नूं देश में एकता अखंडता ते सुरक्षा नूं बनाए रखने लई आपा समर्पित करन संबंधी सौ चुकाई। एकता दौड़ में शमूलियत करने वालों ने भी राष्ट्रीय एकता की सहुं चुकी। डिप्टी कमिश्नर ने गुरु नानक स्टेडियम तो एकता की दौड़ नूं रवाना किया जिस विच 500 तों वध शहरियों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ चौक फुहारा कॉलेज रोड तो होंदी हुई नेहरू रोज़ गार्डन विखे खत्म हुई। इस मौके पर जिले के होर अधिकारी भी मौजूद सन। देश की एकता ते अखंडता नूं बरकरार रखण ते एकता का जज्बा पैदा करने लई अज फरीदकोट विच भी एकता दिवस मौके एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जिले के वधीक डिप्टी कमिश्नर गुरजीत सिंह ने नेहरू स्टेडियम तो इस दौड़ नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। एकता लई दौड़ वक्-वक् हिस्सों तो होंदी हुई वापस नेहरू स्टेडियम आके समाप्त हुई। दौड़ में 300 खिडारियों ने हिस्सा लिया ते देश की एकता ते अखंडता की सहुं चुकी। वधीक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महान सपूत के जन्मदिन नूं एकता दिवस वजों मनाउणा साडे सारिआं लई फखर दी गल है। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में अज सवेरे रूपनगर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मिनी सकत्तरेत कॉम्पलैक्स तो शुरू हुई इस दौड़ में SDM रूपनगर हरजोत कौर ने हरी झंडी विखा के रवाना किया। 4 किलोमीटर वाली यह दौड़ बाईपास तो होंदी हुई वापस मिनी सकत्तरेत रूपनगर विखे समाप्त हुई। इस विच वक्-वक् वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ की वापसी से वक्-वक् वर्गों में पहले दूजे ते तीजे नंबर पर रहने वालों मैडल दे के सन्मानित किया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के नवे चुने गए विधानकारों की आज मुंबई में हुई मीटिंग दौरान एकनाथ शिंदे विधानकार पार्टी का नेता चुन लिया गया। उन्होंने नाम का प्रस्ताव आदित्य ठाकरे ने पेश किया। मीटिंग में शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे भी मौजूद सन। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज डेरा बाबा नानक पहुँच के करतारपुर लांघे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। लांघे का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव पर है। मुख्यमंत्री वालों डेरा बाबा नानक विच बनाई गई टैंट सिटी का भी मुआयना किया गया। प्रकाश पुरब दौरान डेरा बाबा नानक रोज़ाना 30,000 श्रद्धालुओं का स्वागत करने लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कुछ थावां ते बूटे भी लगाए। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि करतारपुर लांघे की उसारी दो ते जो तो बहुत काम बचे ने 9 नवंबर तक मुकम्मल कर ले छाण के। बिल्कुल गलत बात है। देखो इस अहेजा दिन है जो सारिआं नूं सिखां वास्ते ये बहुत अहम दिन है। जो भी गुरु नानक नामदेवा ने उन्हां वास्ते अहम दिन है।
इस मौके पर पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तकनीकी सिक्ख्या मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ते कई होर अधिकारी भी मौजूद सन। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब के संबंध में अज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुल्तानपुर लोधी 96 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार होए वक्त प्रोजैक्ट पंजाब की जनता को समर्पित किए। सुल्तानपुर लोधी विखे एक जनतक समागम दौरान मुख्यमंत्री ने इन प्रोजैक्टा का डिजिटल उद्घाटन किया। उन्होंने आख्या कि पहले पातशाह ने अपनी जिंदगी दे 18 साल तो बाद सुल्तानपुर लोधी गुजारे तो यह विकास कार्य प्रकाश पुरब समागम में पंजाब सरकार का एक निमाणा योगदान है। इन प्रोजैक्टों नाल सुल्तानपुर लोधी का इतिहासक सर्वपक्षी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को अपील की कि वह गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब 12 नवंबर को गुरु जी के प्रति श्रद्धा ते सन्मान प्रगट करने वास्ते शाम वेले अपने घरों में दीवे जगाउण। इस तो पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश पुरब जश्नां लई कीतियां जा रही तैयारियां का जायजा लिया। उन्होंने दस्या गया कि 35,000 श्रद्धालुओं को ठहराने वास्ते 53 करोड़ रुपए की लागत नाल 3 टेंट सिटी कायम किए गए हैं। 542 एकड़ में 18 पार्किंग थावां बनाई गई हैं। होरनां तों इलावा इस मौके पर मैंबर पार्लीमेंट जसबीर सिंह गिल ते स्थानक विधानकार नवतेज सिंह चीमा भी मौजूद सन। 550 साल प्रकाश पुरब संबंधी पाकिस्तान के श्री ननकाणा साहब तो शुरू होया अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन देश के वक्त हिस्सों तो हुंदा होया अच डरोली पाई तो मोगा के वक्त पिंडा लई रवाना होया। नगर कीर्तन से मोगा शहर में पुजन से विधानकार हरजोत कमल सिंह, जिले के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस से होरों वालों इसका स्वागत किया गया। नगर कीर्तन प्रति वड्डी गिणती में संतों में उत्साह वेख्या गया। श्रद्धालु सुंदर ढंग नाल सजाई गई पालकी साहब के दर्शनों लिए उबड़ पड़े। गतका पार्टियां ने नगर कीर्तन की शोभा वधाया। संगत वालों वक्त थावां ते लंगर भी लगाए गए सन। कौमी शाहराह अथॉरिटी NHAI वालों भारत में टोल प्लाजा ते कैश रहत अदायगी दे अमल की शुरुआत की गई है। फास्टैग राही हुण टोल प्लाजा ते कैश की बजाय फास्टैग सिस्टम राही अदायगी की जा सकेगी, जिस नाल अदायगी का काम सुखाला होने के नाल नाल समय की भी बचत होगी। NHAI के प्रोजैक्ट डायरैक्टर KL सचदेवा ने मोहाली में दसिया कि जिले में लालड़ू नेड़े पैंदे दप्पट टोल प्लाजा ते कल तो फास्टैग प्रणाली का ट्रायल शुरू किया जाएगा। फास्टैग रेडियो फ्रीकुएंसी ते आधारित कैश रहत सेवा है ते इस प्रणाली दे टोल प्लाजा से स्थापित होने मगरों चिप ते आधारित सिकर वाली गड्डियां लाई टोल की अदायगी कैश रहत हो जाएगी। उन्होंने दस्या कि टोल की कैश रहत अदायगी होने मगरों इस बारे मोबाइल ते SMS आएगा। इस प्रणाली के चालू होने नाल गड्डियों नूं टोल प्लाजा ते बहुता चिर रुकना नहीं पवेगा। टोल प्लाजा ते अक्सर लंबियां लाइनां देखी जांदियां ने ते गड्डियां वालों उड़ीक दौरान जिथे प्रदूषण विच वाधा हुंदा उत्थे समय दी वी बड़ी बर्बादी होती है। जैसा कि सबनों पता ही है, आप वाइट पब्लिसिटी कर चुके हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 साढ़े मिनिस्ट्री श्री नितिन मिनिस्टर साहब श्री नितिन गडकरी जी ने एक लोगों की सहूलियत वास्ते जो ट्रैफिक जाम लगते सी एक सबनों एक रिक्वेस्ट की फास्टैग इशू करवा की फास्टैग अपने अपने व्हीकल से लगा लें ताकि एक हैसल है इस फास्टैग के हैसल भी होगी वहाँ से निकल सकते हैं और उस पर पॉइंट ऑफ सेल हर जगह लगे हुए हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अज एक रेलगड्डी में अग लगन कारण घट्टो घट 73 व्यक्तियों की मौत हो गई तो दर्जना जख्मी हुए दसे जाते हैं। एजेंसी खबरों में कहा गया कि लाहौर तो कराची जा रही तेजकाम एक्सप्रैस गड्डी के एक डिब्बे में यात्री वालों स्टोव ते खाना बनाया जा रहा है जब अचानक स्टोव फट गया तो भयानक अग लग गई। 3 डिब्बे इस अग का शिकार हुए। एक घटना लाहौर तो कोई 400 किलोमीटर रहीम यार खान नेड़े लियाकतपुर विच वापरी। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने दस्या कि इस रेलगड्डी विच ज़्यादातर लोग मुसलमान प्रचारक सन जो रायविंड विच होने वाले एक समागम विच हिस्सा लैण लई जा रहे सन। उन्होंने दस्या कि ज़्यादातर मौतां घबराहट विच लोगों वालों गड्डी चो छाल मारन ते होईयां। कोई 40 जख्मी मुसाफर गंभीर दसे जा रहे हैं। राहत ते बचाव कार्य जारी ने ते इस काम लई फौज ते हैलीकॉप्टरां की मदद लई जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने इस घटना ते दुख जतांदिआं प्रशासन नूं जख्मी व्यक्तियों नूं बेहतरीन मैडिकल इलाज देने की हदायत की है। प्रशासन वालों मृतकों की पछाण की जा रही है। सो जी इस बुलेटिन की खबर हूँ इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।